अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के बारे में। सिहाब भाई कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, सिहाब भाई ने आज अपना ये सफ़र शुरू किया या नहीं किया। अगर आज सिहाब भाई ने अपना ये सफ़र शुरू कर दिया तो वो इस वक्त कहां पहुंचे, और अगर आज भी सिहाब भाई ने अपना ये सफ़र शुरू नहीं किया है तो वो कब अपने इस सफ़र को शुरू कर रहे हैं, कब अपनी इस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं सारा कुछ लोकेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों बात करेंगे कि सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ आज तारीख हो चुकी है 9 जनवरी। तो आज की सिहाब भाई की क्या लोकेशन है, क्या अपडेट है, दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही सिहाब भाई की कोई भी नई अपडेट आए मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, पहले बात करते हैं सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए 220 दिन का वक्त बीत चुका है। दोस्तों पूरे 220 दिन पहले सिहाब भाई ने अपने घर वालों को विदा ली थी और अपने इस सफ़र को शुरू कर दिया था, ये सोच करके कि आने वाले 2023 का मैं हज अदा करूंगा। लेकिन दोस्तों साल भी बदल चुका है, 2023 साल भी लग चुका है और आज तारीख हो चुकी है 9 जनवरी। तो सिहाब भाई का सफ़र क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँ। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैं आपको बता दूं सिहाब भाई की वही लाइव लोकेशन है। सिहाब भाई की जो अपडेट है ये वही पंजाब राज्य और पंजाब राज्य का जिला अमृतसर, अमृतसर जिले का एक गांव शाखा पिंड, दोस्तों ये इस वक्त उसी शाखा पिंड गांव के अंदर मौजूद हैं। सिहाब भाई ने आज भी अपना सफ़र शुरू नहीं किया। बात करें इनके इस वीजे की जो कि अभी तक इनको नहीं मिला है, तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूँ सिहाब भाई का जो वीजा है अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि सिहाब भाई का वीजा जल्द ही इनके पास पहुंचने वाला है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वीजा पाकिस्तान की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, अब जल्द ही 1 या 2 दिन में इनका सफर शुरू होने वाला है। दोस्तों आप सभी से यही अपील है कि आप सब इनके हक में दुआ कीजिए, जितनी हो सके इनके हक में उतनी दुआ कीजिए, ताकि सिहाब भाई का सफर शुरू हो और ये अपनी इस मंजिल को पा जाएं।